दोस्तों आज हम बात करने वाले 12x30 की हाउस डिजाइन की। जैसा कि आप मॉडल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और इसी वजह से हम डिस्कस करेंगे। और इसका साइज की अगर हम बात करें तो 12 फीट चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें तो 30 फीट है, मतलब 30 फीट। तो 12x30 ये पूरा डिजाइन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसका फ्रंट एवोल्यूशन की बात करें तो बेहतरीन से डिजाइन दिया है, और यहाँ पर वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर बेडरूम्स, इसका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, तीनों फ्लोर में हम डिस्कस करेंगे। और अच्छा सा लुक है, डिजाइन भी बेहतरीन सा है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने इस मॉडल को डिजाइन किया है जिसका साइज है 12x30। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर मॉडल डिजाइन कराना तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ साथ अगर हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर अभी तक आप पहली बार विजिट किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। तो जो आज मॉडल देख पा रहे होंगे इसको पहले दिखा देते हैं। सबसे पहले फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट से आपको मॉडल ऐसा दिखेगा। अगर टॉप व्यू बात करें तो टॉप से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है। और अगर हम बात करें साइड से तो साइड पे फिलहाल कुछ नहीं, आसपास घर ही होंगे। और अगर हम इसका फ्रंट बैक देखते हैं तो बैक भी आपका फ्रंट ही दिखने वाला है। तो कुल मतलब फ्रंट ही इसका एवोल्यूशन है। तो हमेशा के तरीके से इसको हम सबसे पहले ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके ट्रांसपेरेंस करते हैं तो सारी दीवारें आपकी हाइड हो जाती हैं, और ऊपर से नीचे तक आपको मॉडल पूरा फोल टू फोल दिखने वाला होता है। अगर ट्रांसपेरेंट से अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको, तो जैसा आप ये ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको दिखने वाला है मॉडल, और टॉप से देखो तो आप ऐसा दिखेगा, फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है। साइड की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में ऐसा दिखेगा, और आप बैक से भी देख सकते हैं। चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट करके मैंने इस मॉडल को दिखाया है, तो ये मॉडल ऐसा दिखेगा। अब हम इसका ओरिजिनल व्यू, जो फिर से प्रॉपर तरीके से ले चलते हैं इसके ओरिजिनल पोजीशन पर, और जैसे आप ओरिजिनल देखते हैं तो आपको ये मॉडल फिर से ऐसा दिखने वाला है। तो इसी ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर, तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं तो मैं थोड़ा इसका इसको जूम कर लेता हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर दिखेगा आपको, ये फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर ये मैंने कुछ डिजाइनिंग दिया है, आप देख पा रहे हो कि डिजाइनिंग जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और इसके टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप को आपको ऐसा दिखेगा, जैसे फ्रंट से आप देखिएगा, ये आप मैंने रेलिंग दी है, लगभग 3 फीट का ये स्पेस है बीच में, आपको दिख नहीं रहा है। और ये इसका गेट है, ये पिलर दिए हैं 3, और जैसे आप यहाँ से एंटर करते हैं इस वाले गेट से 3 फुट का आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पर अपने बाइक या कुछ भी पार्क कर सकते हैं छोटा सा। इसके बाद आपको एक फ्रंट डोर मिलता है, मेन डोर ये मिलता है, और ये आपको बाहर से एक प्रॉपर 3x3 का विंडो भी मिल जाता है। फ्रंट डोर के ऊपर भी आपको विंडो मिलता है वेंटिलेशन के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइनिंग का पार्ट है। अब जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर किचन, ये आपका किचन है, ओपन किचन, अगर आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है स्टेयर्स, जो कि एल साइज स्टेयर्स यहाँ से जाएगा और आपको ऊपर घूम जाता है। स्टेयर्स के नीचे आपका लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड मैंने दोस्तों दिया, क्योंकि जगह बहुत ही कम, 12x30 है और बहुत ही कम स्पेस है। अब आपको मिल जाता है सबसे पीछे एक बेडरूम, जो कि आप देख पा रहे होंगे इसका मेन डोर ये है। और यहाँ पर मैंने जो जगह थोड़ी सी है, यहाँ पर मैंने इसका विंडो दे दिया है वेंटिलेशन के लिए। अगर आप ये बाथरूम जगह नहीं देना चाहते तो बाथरूम पूरा यहाँ पर कम्बाइंड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो देखिए कि फर्स्ट फ्लोर आपको बिल्कुल सेम स्टेयर से जैसे ऊपर आएंगे तो आपको सेम टू सेम बेडरूम आपको मिलने वाला, वही विंडो, वही डोर और ये वही सोफा। और बस थोड़ा डिजाइनिंग किया, जो किचन था वो मैंने यहाँ पर हटाकर ये बाहर का एक बालकनी टाइप का डिजाइन कर दिया। ये देखिए ओपन स्पेस है, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी आप अपने बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा सा रूम है दोस्तों, लेकिन ओपन है, बाहर से आपको दिखने वाला है। उसे यहाँ पर आने के लिए आपको ये डोर दिया है, ये विंडो दिया है, और ये जो आप देख पा रहे होगे ये प्रॉपर तरीके से ये, तो ये एक डिजाइनिंग का पार्ट है जो कि मैंने डिजाइन किया है। तो ये तो इसकी बात हो गई फर्स्ट फ्लोर की दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर आपको देखिए फ्रंट से ऐसा दिखेगा, बेहतरीन सा लुक है फर्स्ट फ्लोर का। और इसके टॉप फ्लोर की बात करते हैं, जो कि आप ऐसा देख पा रहे होंगे। टॉप फ्लोर पर कुछ नहीं, बस 3 फीट का बालकनी दे दिया है। और ये जो आपकी स्टेयर्स थी,
इसको मैंने ढक दिया है जिससे बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा डिजाइन हो गया 12x30 का। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने ये डिजाइन दिया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें, और ये डिजाइन पसंद आया हो तो हमें आप कमेंट करके बताएं, और साथ साथ चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे पेज जिसका नाम है न्यू टेक, आप उसको फॉलो कर लें, और अगर आपका कोई सजेस्टेड मॉडल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिजाइन करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।